कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी अरे बेटा जी, आजकल के शोहर बीवी को इज्जत नहीं देते। वो चाहते कि उन्हें इज्जत मिले, उन्हीं का ख्याल हो, और बीवी जाए बाड़ में। ठीक कह रही हैं आप। मुझे उनसे बात नहीं करनी। बुरी बात है, बात करो। आप उनसे कह दें कि उनकी कोई बेटी नहीं है और शायद मेरा कोई बाप भी नहीं है, तो फिर बात करने का फायदा क्या? मिनी सी साइड पे चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं। क्यों भाई? एक काम करते हैं ना, वहां पे जाके तुम्हारी पसंद का पराठा कबाब खिलाऊंगा, कटाकट मजेदार स्पाइसी। नहीं रजा। कम ऑन मिनी, क्या हो गया तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है बताओ मुझे। कुछ भी नहीं है यार, मुझे बताओ, मुझे टेंशन हो जाती है तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड देख के। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। कम ऑन विनी, बताओ ना, हुआ क्या है? दरअसल नौशाबा बाजी कहती हैं कि जो लड़कियां छुप छुप के लड़कों से मिलती हैं, उन्हें लड़के अच्छा नहीं समझते और बदनामी उन लड़कियों का मुकद्दर बन जाती है। ये तुम्हारी नौशाबा बाजी और क्या कहती है? वो ये कहती है कि लड़कियों को अपने महबूब का इंतजार घर में बैठ के करना चाहिए। What a joke. इसमें हंसने वाली क्या बात है ऐसा? भाई, हंसने वाली बात ये है कि अगर तुम्हारी नौशाबा बाजी किसी लड़के के आगे हाथ जोड़ के बोलेंगी कि प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, तो वो कहेगा दफा हो जाओ यहाँ से, शक्ल देखिए अपनी। वैसे नौशाबा बाजी क्यों किसी लड़के के आगे हाथ जोड़ेंगी? बल्कि उनके आगे कोई लड़का अगर हाथ जोड़ेगा ना, तो वो उसे भी रुसगा देंगी, बोलेंगी यहाँ से दफा हो जा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दरअसल नौशाबा बाजी है ही इतनी अच्छी, उनकी बातें दिल पे असर करती हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारी नौशाबा बाजी ने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत की तो नहीं, लेकिन हाँ वो मोहब्बत के बारे में कहती हैं। बल्कि ये बात उन्होंने अपने गांव से सुनी थी। इरशाद, इरशाद। वो ये कहती हैं कि मोहब्बत आंखों से शुरू होती है और मुलाकातों से आगे बढ़ती है, हर आंसुओं पे खत्म हो जाती है। अच्छा, और आजकल की मोहब्बत के बारे में क्या कलमात हैं? आजकल की मोहब्बत के बारे में वो ये कहती है कि आजकल की मोहब्बत तो मोबाइल फोन से शुरू होती है, कार्ड लोड करवाने से आगे बढ़ती है और सिम बदलने से खत्म हो जाती है। ओह गॉड, ये तुम्हारी नौशाबा बाजी की ना पागलपने की बात है। तुम्हें उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए और तुम हो कि उनकी मजीद कुर्बत इख्तियार करती जा रही हो। अरे दूर रहो यार उससे, वरना वो तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए नफरत का बीज बो देगी। ईमान से कहा गया ना तुम्हें? नौशाबा बाजी तुम्हें कहाँ जानती है यार? फिर भी
पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको पता चल गया कि तुम उससे मोहब्बत करो। नहीं, नो, नेवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो जो भी है विनी, तुम उनसे दूर रहो प्लीज। अब हो सकता है वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, और तुम्हें पता है कि मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल 100% सच होती है। अमीर, क्या पापा कभी वापस नहीं आएंगे? हाँ, अगर उन्होंने वापस आना होता तो बहुत पहले आ चुके होते। उनको गए 12 साल 8 महीने 27 दिन हो चुके हैं। लेकिन कोई तो वजह होगी जो 12 साल हो गए लेकिन पापा वापस नहीं आ रहे। बेटा, मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि कोक आग जाने वाले अगर पलट कर देखते हैं तो पत्थर क्यों जाते हैं। बस यही हाल परदेश जाने वालों का भी है, उनमें पलट कर देखने की शक्ति नहीं रहती। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं? नहीं, असफर ऐसे थे ही नहीं तो कैसे कह दो। अपनी औलाद को तकलीफ में देखकर जो बाप अपनी औलाद के पास ना आए, इससे बढ़के बेहोश इंसान कौन हो सकता है? हाँ, पहुंच गई मैं। नहीं नहीं, बस अभी तो अम्मी अंदर है, आती हूँ तो फिर करती हूँ बात। हाँ, चूड़ियाँ बहुत अच्छी। अरे, अभी माँ के पास आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और आते ही फोन पे लगी हुई है। अम्मी, अदनान ने कहा था कि घर पहुंचकर फोन जरूर करना। हाँ, दूसरे शहर से आई है ना, जो फोन करके तसल्ली दी जा रही है कि मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ, सफर इत्मीनान बख्श गुजरा, टैक्सी भी इत्मीनान से मिल गई थी। नहीं ना, अदनान भी कहीं जाते हैं तो मैं उनसे ऐसा ही कहती हूँ। अरे तेरी बात और है, लेकिन तुझे क्या जरूरत पड़ी है कि पल पल की खबर दे उसे। अरे ये चूड़ियाँ दिखा, ये तो बहुत अच्छी लग रही है और भारी भी है। आंटी की है, कल रात हम लोग शादी में गए थे ना तो आंटी ने मुझे पहनाई थी। सोने की है क्या? अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आंटी को चूड़ियाँ वापस भी करनी है। देखे जरा, मैं पहनकर यहाँ आ गई, आंटी भी क्या सोच रही होंगी। कोई जरूरत नहीं तुझे वापस करने की, अपनी कब्र में तो लेके नहीं जाएगी ये मुनीरा बेगम। अम्मी, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि किसी की चीज इस्तेमाल करने के लिए ले और उस पर कब्जा ही कर ले। अरे बेटा जी, आजकल सब कुछ यही हो रहा है, और यूं भी ये चूड़ियां अदनान ने बनवा कर दी होगी, लेकिन वो कंजूस मनुष्य औरत उसने अपने पास रख ली होगी बहू को देने के बजाय, और तू बावली हो गई है कि चूड़ियां वापस कर दे। आप चाहती हैं कि मैं ये चूड़ियां आंटी को वापस ना करूं? कोई जरूरत नहीं है वापस करने की। और अगर उन्होंने खुद मांग ली तो मैं क्या कहूंगी? तो कह देना कहीं रख के भूल गई हूँ, मिल नहीं रही। वैसे आइडिया अच्छा है आपका। अपनी माँ के मशवरे पे चलोगी ना तो हमेशा फायदे में रहोगी। मगर मुझे ये बात दिल से अच्छी क्यों नहीं लग रही? तुम पागल जो, कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैं तो जो भी कहती हूँ सही कहती हूँ। अब आई बात समझ में? यार ये तुम्हारे कपड़े क्यों गीले हो रहे, क्या हुआ है? अम्मी, मैं घर ही आ रही थी, रास्ते में से गाड़ी जा रही थी, मेरे ऊपर पानी फेंक कर चली गई। अच्छा जाओ, जाकर शावर लो, पता नहीं कैसा पानी होगा ये। अब तो ऐसा लगता है कि हर शख्स मुझसे रूठा हुआ है, हर चीज मुझसे रूठी हुई है। परेशान मत हो, ऐसे किसी ने गलत फहमी में फेंक दिया होगा, वरना भला तुम्हारी किसी से क्या दुश्मनी। चलो जाओ, जाके शावर लो जी।
तुम्हारी कलाई में चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू आंटी की चूड़ियां। हाँ मुझे मालूम है, मेरा दिल चाह रहा है ये चूड़ियां मैं अपने पास रख लूं। इसका क्या मतलब? भाई मतलब ये कि मेरा दिल चाह रहा है कि ये चूड़ियां मैं हड़प कर लूं और आंटी को वापस ही ना दूं। सारा ये बुरी बात है, मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। नहीं मुझे यही अच्छी लग रही हैं। अरे बाबा ऐसे ही ले आएंगे, मगर तुम ये चूड़ी अम्मी को वापस कर देना। मगर मेरी अम्मी तो कह रही थी कि तुम अपनी सास से कह देना कि तुम चूड़ियां कहीं रखकर भूल गई या वो कहीं खो गई। और क्या कह रही थी तुम्हारी अम्मी? ये ही कि सास का माल कोई पराया थोड़ी होता है, और वैसे भी वो कह रही थी कि ये चूड़ियां तुम्हारे शौहर ने खरीद के दी होंगी ना उन्हें, तो इस हिसाब से इन चूड़ियों पर पहला हक तो मेरा हुआ। अम्मी की बात तो ठीक हो गई ना एक तरह से। बिल्कुल गलत बात है ये। तुम ये चूड़ियां अम्मी को वापस करके आओ और एक गिलास ठंडा पानी ले आओ मेरे लिए। अद्दान आपका गला खराब है, अगर ठंडा पानी पियेंगे तो कहीं बुखार ना चढ़ जाए। फिलहाल इस वक्त तो मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, मैं उसे ठंडा करना चाहता हूं। वैसे नुशाबा कितना मजा आया ना अगर तुम्हारी शादी यहीं कराची में हो जाए। लेकिन तुमने तो कहा था कि कराची के लड़के बहुत तेज होते हैं, गांव की सीधी सादी लड़कियों के साथ शहर के टेढ़े मेढ़े लड़कों की शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ लेकिन हर लड़का शातिर थोड़ी होता है, कोई सीधा साधा भी तो होता है ना। कुछ भी हो मेरा अब कराची में दिल नहीं लगता, दिल चाहता है उड़कर अपने पंजाब चली जाऊं। मगर हम तुम्हें किसी ना किसी बहाने से रोक ही लेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। फिर बताओ क्या करोगी? पता नहीं क्या करूंगी, इस वक्त तो मुझे नारू ने आवाज दे ली है, देखती हूँ उन्हें क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारा कहाँ? पड़ोस में गई, अभी आ जाएगी। फ्लैट में रहने वाली लड़कियों का क्या अपने फ्लैट में दिल नहीं लगा करता, जो आसपास जाने का शौक हुआ करता। कम उम्र बच्चे, आने जाने का शौक तो होगा ना। हाँ याद आया, सारा ने आपकी चूड़ियां वापस कर दी। हाँ वो रात को आई थी वापस करने और चूड़ियों की बड़ी तारीफ कर रही थी। तो फिर? फिर मैंने इसे कहा इसे अपने पास रख लो। ये क्यों कहा आपने अम्मी? आपकी चूड़ियां थी, आपने उसे वापस क्यों कर दी? बेटा देखो मैं सोना तो पहनती नहीं हूँ और आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितना पहनूंगी, पहन ली बस, सारा पहनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर वो तो उसे शायद सोने का समझ रही है। बेटा क्या हालात ऐसे जो इंसान सोना पहनकर बाहर निकले, अगर वो सोना समझकर खुश हो रही तो उसे खुश हो लेने दो। ठीक है अम्मी जैसा आपकी मर्जी। एक कप अच्छी चाय पिलवा दे। जरूर जरूर। जी मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से मैं नहीं आ सकी, लेकिन मैं कल से आ जाऊंगी। क्या कह रही हैं आप, मेरी जगह किसी और को रख लिया आपने? देखिए मैं कल से प्रॉपर आऊंगी, मैं एक 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 दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी पूरी फोन काट दिया, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। किसका फोन था? नहीं अब आप खुश हो जाए, मैडम का फोन था एकेडमी से, मेरी जगह किसी और टीचर को रख लिया उन्होंने। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है?
अब तो मुझे वाकई लगता है कि पापा की मुझे बददुआएं लगने लगी हैं। रजा तुम गाना भी गाते हो? हाँ हाँ जरूर सुनाओ। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुमको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं रसा तो बहुत अच्छा सिंगर है, इसने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। शायद बड़े लोग अपनी खूबियां आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। अरे तुमने देखा जरीन, एक महीने में वानिया सोने का लॉकेट घुमाई, अब अंगूठी भूल कर आ गई है। तुम उसे सोने की चीजें पहनने क्यों देती हो? अरे अम्मा क्या करें, क्या आप चोरी चकारी के डर से अपना दिल मार के बैठ जाएं? अव्वल तो कुआरी लड़कियां सोने की चीजें पहनती नहीं है, और अगर बहुत शौक है तो आर्टिफिशियल लेके दे दो, कम अज कम नुकसान तो ना हो। अच्छा माँ, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी इस बात का। सारा, अम्मी ये ले पकड़ अपनी चूड़िया, मैं तो तुम्हारे कहने पे स्कूल के फंक्शन में पहनकर चली गई थी। अम्मी आपकी साथी टीचर्स आपके हाथ पे इतनी खूबसूरत चूड़ियां देखकर जल गई होंगी ना? वो जली नहीं, उन्होंने इन चूड़ियों के औकात मुझे बता दी। मैं भी दिल में हैरान हो रही थी कि ये मुनीरा बेगम इतनी दयालु कब से हो गई कि बहू को सोने की एक के बजाय छह छह चूड़ियां दे दी है? अरे वो तो इतनी कंजूस है कि अपना बुखार किसी को ना दे जो साल में सिर्फ एक ही बार चढ़ता है उस पर। लेकिन अम्मी आपकी कुलीग्स को गलतफहमी भी तो हो सकती है। अरे मिसेज रियाज ने अपना पर्स खोलकर ऐसे ही मुझे 12 चूड़ियां दिखा दी जो 1200 की उसने खरीदी थी। मेरी तो नाक ही नीची हो गई। तुम मुझे क्या पता था कि आंटी की चूड़ियां आर्टिफिशियल होंगी? है कहां वो झूठी खातून जिसकी खातिर मुझे आज बेइज्जती सहनी पड़ी। अभी तो निकली है ताहराबाजी के घर जाने के लिए। जब वो आए तो उसे कह देना कि उसकी झूठी चूड़ियों ने किसी को जलील खार कर दिया। अच्छा ना आप बैठे तो सही। नहीं इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, मैं जाके ना बर्फ के ठंडे पानी से नहाती हूँ। नानू ये मामी की मेहरबानियाँ ना कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी मुझे कपड़े दिलाती हैं, कभी सैंडल दिलाती हैं, और आज फिर दो जर्सियाँ दे दी और साथ में कहने लगी कि ये मैंने तुम्हारे लिए तो लेके रखी थी। पुत्र जब कोई ना पसंद करते हुए एकदम पसंद करने लगे ना तो ये उसकी अपनी कोई मजबूरी हुआ करती है। लेकिन मामी की क्या मजबूरी होगी? एनी का वजूद उनके हलक में मछली के कांटे की तरह अटका हुआ है और वो उससे खलासी चाहती। आपका मतलब है कि मामी ये चाहती है कि ऐनी भाभी के उजड़े घर पर मैं अपना घर तामीर करूं? दुनिया में तो यही हो रहा है, किसी का घर जले तो लोग उसकी आग में हाथ सेकने आ जाते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी का घर उजाड़कर अपनी खुशियां नहीं चाही। नहीं नानू, मैं भी किसी की बददुआओं पर अपनी खुशियों की बुनियाद कभी नहीं रखूंगी। जरीन की सोच में और हमारी सोच में यही तो फर्क है। तो बस ठीक है, अपने गांव चलते हैं वापस। ऐसे हालात में मेरा दिल घबराने लगता है नानू। मैं जाने से पहले सारिम को फिर समझाना चाहती हूँ। वो बहुत चिड़चिड़े हो गए नानू,
मुझे नहीं लगता वो आपकी बात मानेंगे। बेटा कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? अच्छा एक बात सुनो, तुम एनी को घर ले आओ, तुम्हारी खोई हुई खुशियां मिल जाएंगी। नहीं दादी नहीं, अब नहीं। जो चीज चली जाती है ना दोबारा कभी वापस नहीं आती। हाँ हाँ, आपके घर वाले तो जलेबी की तरह सीधे हैं ना। खामोश हो जाओ। खबरदार मेरे अम्मी अब्बू के लिए कुछ भी अपनी जबान से कहा तो एक लफ्ज भी नहीं। अंडरस्टैंड? रूप बदले तो कोई पहचान।